Respected dignitaries on the dais, and my friends here, everyone. Good evening. Uh, what can I say? Such, I uh, actually, uh, frankly to say, full life is been spent on courts, and kabi bhi a moment nahi dekha I am so happy to see all of you receiving the awards today, and. Uh, थैंक यू फ्लेम फॉर ऑर्गेनाइजिंग इट सो वेल इतने परफेक्टली आप आए कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ सब अच्छी तरह से ख़त्म हो गया एंड नाउ ऑल ऑफ यू आर ग्रेजुएट्स कंग्रेचुलेशन्स टू यू ऑल आई वुड लाइक टू से लड़कियों को और फाइट करना पड़ेगा लड़कों ने काफ़ी गोल्ड मेडल ले लिए लड़कियों ने भी लिए बट आई वुड डेफिनेटली वॉन्ट देम टू फाइट बिकॉज ऑब्वियसली वी ऑल नो बॉयज़ आर स्ट्रांग बट लड़कियाँ कम नहीं हैं वी आर सो मेनी हेयर And I'm proud to see that. <laughs> when I started my journey in badminton, you know, I used to be like, ladke, yaar, kaise karungi?" And when I started, uh, I didn't have any role model. I was like, um, "What to do?" You know, I, I wanted some friends to play some sport after my um, schooling, and uh, pata nahi, papa nah, mummy you know. भेज दिया है आई वॉन्ट टू जस्ट प्ले सम काइंड ऑफ स्पोर्ट फॉर फन बट यू नो आई डिट नो माई मॉम हैड समथिंग इन अर माइंड कि इसको ओलंपिक मेडलिस्ट बनाना है एंड शी यू नो शी टोल्ड मी एट द एज ऑफ नाइन्थ जो ओलंपिक तो मेडल लेके आना है कंट्री के लिए और मुझे हंसी आती थी यू नो आई टू लाफ एट सेइंग दैट क्या बोल रहे हो आप यू नो उसके बाद मैंने पेपर्स देखे थोड़ा बहुत uh, रिसर्च किया कि बैडमिंटन में पहले मुझसे पहले कौन ऐसे प्लेयर्स थे जो जिन्होंने कंट्री का नाम रोशन किया है सॉरी टू से गेम इतना पॉपुलर नहीं था मुझे पता नहीं था कौन प्रकाश सर है कौन गोपी सर हैं आई वॉज़ वेरी सरप्राइज टू सी के ओनली टू पीपल परफॉर्म्ड एट दी हाइस्ट लेवल बट लड़कियों में कोई भी नहीं था हु कुड क्रॉस फर्स्ट राउंड ऑल्सो इन बैडमिंटन एंड आई वॉज टेलिंग दिस टू माई मॉम एंड शी वॉज लाइक यू जस्ट शडअप एंड गो स्टार्ट रनिंग यू नो शी शूड नेवर हीर एनीथिंग नेगेटिव शी वॉज सच अ सपोर्टिव पर्सन इन माई करियर दैट यू नो आई आज टू ऑलवेज से मम्मी कैसे होगा आप बैडमिंटन में बोल रहे हैं जहाँ पे यू नो चाइना कोरिया जपैन ऑल दीज एशियन कंट्रीज डोमिनेट लाइक एनी थिंग पावर हाउसेज हैं वो सब और आप चाह रहे हैं कि मैं आ, इंडिया से कुछ ऐसा करूँ जो अन रियल है बट शी वॉज यू नो शी ड्रम्ड फॉर मी एट द एज ऑफ नाइन आपको क्या लगता है ना no, आपको डॉक्टर बनना है इंजीनियर बनना है सब बनना है बट ऐसा नहीं है कि कुछ आप प्रोफेशनल प्रोफेशनली लेंगे बट ऑफकोर्स वेन योर पेरेंट्स ड्रीम फॉर यू डेफिनेटली द ड्रीम्स कम ट्रू वो मैंने आफ्टर सो मेनी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आफ्टर सो मैनी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आई गॉट टू नो दैट कि डेफिनेटली एक पर्सन हमारे फैमिली में पागल होना ही चाहिए तभी रिजल्ट आते हैं तो मेरी फ़ैमिली में मेरी मम्मी पागल थी जिन्होंने मुझे इतना कुछ कराया पापा के पास कितना टाइम था यू नो आई जोक विद हिम नाउ के साइंटिस्ट बन के क्या कर लिया आपने यू you नो know, आज मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ देखो कितना नाम है मेरा एंड ही वॉज लाइक तू बहुत बोल रही है <laughs> देखिए अच्छा लगता है जब आप एक कंट्री uh, के लिए इतना कुछ करते हैं एंड स्टैंडिंग ऑन द पोडियम एंड आई वाज लाइक कुछ ऐसा मैं कर रही हूँ जो मिलिट्री वाले करते हैं नो मेरा सपना था हमेशा टू तो सर्व द नेशन एंड मुझे इस तरह से मौका मिला कि मैं कंट्री को सर्व कर सकूँ कि मैं मेडल्स ला सकूँ एंड पीपल आर प्राउड ऑफ मी इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है एंड टूडे आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ़ यू मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है क्योंकि आप सब लोग ग्रेजुएट्स हैं यहाँ पर मैं आपको स्पीच दे रही हूँ आपको मुझे उल्टा स्पीच देनी चाहिए लेकिन मैं आपको दे रही हूँ मैं तो यही बोल सकती हूँ यू नो यू हैव टू जस्ट कॉन्फिडेंट थोड़ी बहुत तकलीफें होती है उसका नतीजा क्या है ट्वेंटी फोर इंटरनेशनल टाइटल्स इज समटाइम्स वेन आई थिंक अबाउट ए टाइम लाइक हाउ इज इट इवन पॉसिबल दैट मम्मी सेट ओलंपिक मेडल आएगा ओलंपिक मेडल आया मम्मी सेट वर्ल्ड नंबर वन बनूंगी वर्ल्ड नंबर वन बनी ऐसा कैसे हो सकता है कि मम्मी ने सपना जो सोचा था एंड आई वर्क ऑन इट यू नो आई वर्क रियली हार्ड आई वॉज सच अ पर्सन हु लाइक कॉम्पिटिशन आई स्टिल कंपीट विद माई हस्बेंड कुछ भी चीज़ हो गया उससे तो बेटर ही आना है यू you नो know, हमेशा छोड़ना नहीं है किसी भी चीज़ में दैट एटीट्यूड स्पेशली फॉर गर्ल्स इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है थोड़ा बहुत uh, लगता है कि हम लड़कियाँ हैं ऐसा सोचना नहीं चाहिए यू नो एवरी मिनट ऑफ योर लाइफ यू शुड जस्ट थिंक दैट आई एम द बेस्ट आई एम केपेबल ऑफ एनी थिंग एंड इज जस्ट दैट आपके अंदर एक फायर आ जाता है ऑटोमेटिकली यू डोंट हैव टू रियली थिंक अबाउट के यू नो मेरे आजू बाजू कौन है इट्स ओनली अबाउट यू नो वॉट इज इन फ्रंट ऑफ मी आई हैव टू स्टडी दिस ऑफकोर्स आप सब बेस्ट हैं उसमें बट आपको और कैसे उसमें बेस्ट कर सकते हैं यू नो वैन आई वॉज थिंकिंग अबाउट कि मुझे ओलंपिक्स खेलना है वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स खेलना है या मुझे वर्ल्ड नंबर वन बनना है आई वॉज लाइक वैन माई अपोनेंट यू नो शी इज देयर ऑन द कोर्ट फॉर थ्री आवर्स वाई कैंड आई बी देयर फॉर फोर आवर्स व्हाट्स दी वॉट्स रॉन्ग दैट आई कान डू इट वट इज इफ शी इज टैल आई एम आम समू लव टू वर्क हार्ड आई कैन वर्क हार्ड एक घंटा और लगेगा तो क्या होगा यू नो वर्ल्ड नंबर वन में ही बनूंग ना और तो कोई नहीं बनेगा सो दोजर द थिंग्स विच आर एस टू थिंक दैट अगर मुझे हंड्रेड टाइम्स एक स्ट्रोक करना है तो वाई नॉट डूइंग इट फाइव हंड्रेड टाइम्स वट है घर जाके खाना खा के सोना ही तो है ना दर इज ओनली थिंग यू हैव टू डू बट फाइनली जो आप उधर करेंगे कोर्ट पे आपको रिजल्ट जरूर दिखेगा And that was the thing, you know, I used to think, why not? Why can't I do it? Of course, after losing some semi-finals matches, some final close matches at the national championship, I used to come out of the court. And I I've played one of the best matches of my life. But I came out, I And my colleagues used to laugh at me saying that, what is this? You know, you are, uh, why is your mom hitting you? It's not good. She's my mom. She's trying to tell me something. You know, she wants me to be the best. So I'm taking it in a positive way. आई कॉन्ट टेक इट इन ए नेगेटिव वे अगर आज मैं उसको नेगेटिव वे में लेती तो शायद मैं आज साइना नेहवाल नहीं बनती मैं भी आज कहीं तो भी रहती मेरी बहन की तरह यू नो मेरी बहन भी आज मम्मी को बोलती है मुझे क्यों नहीं खिलाया यू you नो know? और मुझे उस पर हंसी आ गई है मैं हंसती हूँ साइड में मम्मी बोलती ये क्यों ये तूने क्यों नहीं सीखा साइना से वन आई वर्स टेलिंग यू तुझे भी हार्ड वर्क करना चाहिए तो मेरी बहन बोलती है उस टाइम पे तो गेम पॉपुलर नहीं था देन शी वाज लाइक साइना को भी पॉपुलर नहीं था बट आई टोल्ड यू टू डू फोर राउंड्स वाई यू वर लाइक कि मेरे को नी पेन हो रहा है मेरे को बैक पेन हो रहा है एंड आज एट द एज ऑफ फोर्टी उसे कि मुझे खेलना है सो आई एम लाइक अपना करो जो करना है दिस इज़ वेरी वेरी गुड टू हीयर कि आपके अंदर से क्या आ रहा है आप उसको फॉलो कर रहे हैं इट्स वेरी वेरी गुड बट समाइम जस्ट लिसन टू यूर पेरेंट्स दे आर द वन हू कैन गिव यू राइट एडवाइस बिकॉज दे हैव गॉन थ्रू इट उनके पास एक्सपीरियंस है ऑफकोर्स इट्स नॉट ऑलवेज सब कुछ ही करेक्ट होगा वो जो बोल रहे हैं बट यू शुड लिसन एंड जस्ट थिंक अबाउट इट कि क्या मैं अपनी तरफ से भी कितना मैं मेहनत कर सकता हूँ या कर सकती हूँ और उनका सुन के मैं क्या क्या ऐसा अचीव कर सकता हूँ जो मेरे दिमाग में नहीं आया है सो दे इज़ लर्निंग इन एवरी वे यू कैन लर्न फ्रॉम योर कोचेज यू कैन लर्न फ्रॉम योर ट्रेनर्स आप अपने टीचर्स से टीचर्स से लर्न कर सकते हैं अपने पेरेंट्स से लर्न कर सकते अपने फ्रेंड्स से लर्न कर सकते हैं आप सो देर सो मेनी ऑफ यू इमेजिन मेरे जो फील्ड में था मेरे uh, जैसे I, 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 मेरे पास कोई रोल मॉडल नहीं था कि कोई फर्स्ट राउंड भी क्रॉस कर सकता है वेन आई कुड गो ऑन विन लाइक फाइव राउंड जीत सकती थी मैं थ्री थ्री चाइनीज को क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल्स फाइनल्स में हरा सकती थी आप सब लोगों के पास तो एग्जाम्पल्स हैं कि मुझे उससे कम्पीट करना है मुझे उससे बेटर होना है जब मेरे से पास कोई नहीं हो के भी आई कुड अचीव सो मच तो आप लोगों के पास तो इतने सारे हैं जो एक आपके लिए आई थिंक कंपटीशन का जरिया है इवन दो इफ यू डोंट वांट टू बी कॉम्पिटेटिव दैट्स फाइन बट आपको जरूर एक फीलिंग ऑफ नर्वसनेस होना चाहिए हमेशा इन योर लाइफ इफ़ नर्वसनेस इज नॉट देयर दैट मीन्स यू आर नॉट नॉट रियली वरीड अबाउट कल क्या होगा मेरे साथ थोड़ा नर्वसनेस रखिए दैट विल रियली हेल्प यू गो फार एंड थोड़ा सा एज ए स्पोर्ट्स पर्सन आई कैन से गिव सम टाइम टू फिटनेस दिस दिस इज फंटेस्टिक स्टेडियम है आई थॉट कि किश मेरे जब मैंने स्टार्ट किया था ऐसा स्टेडियम मेरे पास भी होता बैडमिंटन का फ्ले you know, आज मैं लिख के दे सकती हूँ फ्लेम यूनिवर्सिटी का जो स्टेडियम है नॉट ओनली इन बैडमिंटन सब जगह स्विमिंग पूल है कुछ भी वन ऑफ द बेस्ट इन इन द वर्ल्ड आई कैन से और और आज मैं बोलती हूँ कि यहाँ पे अगर बेस्ट कोचेस भी लगा दिए जाए तो आई नॉट वी कैन हैव लॉट ऑफ प्लेयर्स एज वेल कमिंग आउट फ्रॉम फ्लेम्स बट ऑफकोर्स आई नो यहाँ पे एम बी ए बिजनेस ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं चाहती भी हूँ हमारे पास और सारे आप जैसे लोग रहें बट मैं चाहती हूँ कि स्पोर्ट्स पर्सन भी हम बहुत बने क्योंकि हम बहुत टैलेंटेड नेशन है हमारे पास स्पोर्ट्स पर्सन हमेशा दो तीन रह जाते हैं बट हमारे पास जो इतने सारे इंजीनियर्स डॉक्टर्स और आप लोग भरे पड़े हैं तो मैं चाहती हूँ मैं चाहती हूँ कि थोड़े से और स्पोर्ट्स पर्सन आए कभी मतलब अच्छा लगता है जो भी आपको जो फेम मिल जाता है इन फ्यू फ्यूअर्स ऑफ प्लेइंग आपको सब लोग रिकगनाइज़ करते हैं आपको सब लोग आप जैसा बनना चाहते हैं सब लोग जोकोविच विच रो, रॉजर फेडर सरीना विलियम्स जैसा बनना चाहते हैं इमेजिन वो लाइफ भी कैसी लाइफ होगी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होता है मतलब थोड़ा सा टफ होता है यू हैव टू किल योर बॉडी फॉर टेन टू ट्वेल्व आवर्स एवरी डे इवन ऑन सन्डे समटाइम्स क्योंकि जब आपके पास इतने स्ट्रिक्ट कोचेज हो मम्मी हो तो संडे भी रेस्ट नहीं लेने देते फिर तो फिर तो वो दिन भी मेहनत का दिन होता है बट अच्छा लगता है तो कैसा लगता होगा यू नो इट फील सो नाइस वेन यूर सिटिंग एंड फाइनली थिंकिंग अबाउट ऑल कितना कुछ मैंने बैडमिंटन के लिए किया एंड आफ्टर दैट सो मेनी पीपल वॉन्ट टू Uh, so many kids want to become like Saina and uh, now they have so many examples you know इतने सारे examples है badminton में कि हम सब इतना कुछ achieve कर रहे हैं कि तो youngsters को achieve करना is much more easier now because we are so many of us in top 50 top 20 in the world so I can see पहले तो दो तीन बच्चे आते थे now they are like 500 600 kids who want to play badminton so it's just because of uh, I can say little bit of achievements जो भी मैंने achieve किया थोड़े से जो आने वाले बच्चे जो कर रहे हैं

हर एक जगह पे हम बेटर कर रहे हैं बट आप लोग तो बेस्ट है ही आपसे कॉम्पिटिशन नहीं करेंगे तो किससे करेंगे एंड दैट्स वट आई ऑल्सो डिड आई कम्पिटेड विद मोस्ट ऑफ़ द बॉयज़ एंड दैट दैट्स वाई आई कुड रीच दिस पोजिशन और मुझे काफ़ी छेड़ते भी थे कि आई वॉज ऑब्वियसली वेजिटेरियन मुझे मालूम नहीं था हरियाणा से हूँ तो काफ़ी मैं दूध पीती थी काफ़ी मैं पराठे खाती थी तो मुझे लड़के छेड़ते थे कितना दूध पिएगी कितने पराठे खाएगी मैंने कहा तुम्हें मैं दिखाऊंगी एक दिन क्या होगा और आज वो लोग मुझसे ही पूछते हैं यार काश हमारी मम्मी भी ऐसा कुछ कर देती सीनियर टूर्नामेंट विच इज लाइक ड्रीम फॉर मेरी प्लेयर मेनी किड्स ट्वेल्व थर्टीन में तो वो आजकल तो बच्चे मतलब नेशनल लेवल भी क्रॉस नहीं कर रहे हैं एंड देर लाइक आपने इंटरनेशनल कैसे खेल लिया मैंने कहा आई एम आई डोंट नो कैसे कर लिया बट मेरे पास तो आपके जैसे ट्रेनर्स और तो फिजियोज भी नहीं थे फर्स्ट फिजियो मैंने देखा एट द एज ऑफ नाइनटीन तो मैं आप सबको ये बोलना चाहती हूँ कि इट्स नॉट ओनली अबाउट कि आपको बेस्ट मिले सब कुछ नहीं बेस्ट मिला तो भी आपके अंदर एक इच्छा होनी चाहिए हार्डवर्क होना चाहिए और कहीं से भी रास्ते मिल जाते हैं इट्स नॉट किसी भी चीज़ का एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए लाइफ में दिस इज ऑलवेज अ वे वे यू कैन फाइंड आउट कि आपको कैसे बेस्ट बनना है कैसे चैंपियन बनना है एंड इट्स इट कैन नॉट बी लाइक मुझे ये बेस्ट नहीं मिला है मुझे वर्ल्ड नंबर वन कोच नहीं मिला है दैट इज़ नॉट द रीज़न यू कैन बी बेस्ट टू विद मेरी मम्मी ने क्या क्लब लेवल खेला होगा एंड शी मेड मी वर्ल्ड इन प्रोफेशनल सो इट्स नॉट इट्स नॉट अबाउट आपको बेस्ट सब कुछ मिलना चाहिए एंड यू वॉन्ट टू बी द बेस्ट यू हैव टू जस्ट बिलीव दैट यू आर द बेस्ट थोड़ा सा चोट लगेगी थोड़ा गुस्सा आता है सबको बट दैट्स फाइन राइट फाइनली इट्स अबाउट योर करियर यू वॉन्ट टू बेस्ट यू वॉन्ट टू अचीव सो मच आपको आप भी चाहते होंगे कि आपके पास भी Uh, बहुत सारे घर हो बहुत सारे कार हो सपने आते हैं ना बच्चों को मेरे को भी सपना था कि मैं मुझे भी एक uh, कभी उरुस चाहिए बी एम एक्सिक्स चाहिए और मैंने खरीदी वो तो मुझे अच्छा लगा तो ये सपने देखने चाहिए क्योंकि पूरे होंगे आई एम सेंग दैट्स वाई कि इससे डरना नहीं चाहिए यू शुड नॉट रन अवे फ्रॉम इट यू शुड फाइनली रन बिहाइंड इट कि मुझे पक्का मिलेगा और मुझे ये बिलीव रखना है कि कुछ भी मेरे पास कम हो दैट जस्ट मेक इट योर स्ट्रेंथ मैं वो दो घंटे कर रहा है तो मैं चार घंटे करूँगा अगर आपको उसके लिए लेट नाइट भी थोड़ा बहुत आ, कुछ हार्ड वर्क करना पड़े तो करिए आफ्टर माई ट्रेनिंग विद ऑल दी कलीग्स आई एस टू गो इन द नाइट एंड रन फॉर टू आवर्स फ्रॉम नाइन टू टेन नाइन टू इलेवन उनको पता भी नहीं था एंड दस टू बी लाइक थोड़ा टायर्ड क्यों लग रही है बट आई एम लाइक ठीक है ठीक है रात में लेट हो गया था दैट वॉज माई यू नो रिप्लाई टू दैम बट स्लोली दे अवर सिंग हाउस इज़ यू नो सडनली इम्प्रूविंग एंड गेटिंग सो मेनी रिजल्ट सो ऑफकोर्स वो किसी के सामने मैंने शेयर नहीं किया यहाँ पे आप सब लोगों के साथ शेयर किया है मैंने बट दैट्स हाउ यू नो यू बिकम चैम्पियन इवन क्रिस्टियनो मैंने देखा था uh, मैं यूट्यूब पर देख रही थी उनके बारे में ही इज टू भी दैट्स अ टीम स्पोर्ट राइट टीम स्पोर्ट है वो वो हीज लाइक like, कि मुझे अपने ही टीम से बेटर होना है तो आई गो इन द मॉनिंग थ्री टू फोर एक्स्ट्रा वन आवर मैं प्रैक्टिस करता हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू बी बेस्ट मेरे टीम मेम्बर्स में तो आज ऑफकोर्स ही इज़ द बेस्ट मैसी इज द बेस्ट तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा हार्डवर्क करेंगे देल बी देल बी एवरीवेयर और आप सब में तो टैलेंट है ही आप सब ने इतना सब कर रखा है और अचीव कर रहे हैं और आगे भी अचीव करेंगे बस थोड़ा बिलीव रखिए थोड़ी फिटनेस जरूर रखना क्योंकि फिटनेस इज़ वॉट इज़ गोइंग टू हेल्प यू स्टे फोकस्ड एंड आज जैसे आपने यू नो अपना ग्रेजुएशन पूरा है जाके आइसक्रीम जरूर खाइए बस एक कल से गो एंड डू योर वर्कआउट अगेन और पढ़ाई फिर से चालू एंड बी द बेस्ट ऑफ वॉट यू आर एंड टुमारो आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू अचीव समथिंग बिग एंड मेक द कंट्री प्राउड सो गॉड ब्लेस यू थैंक यू सो मच